सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गैस, आज मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ डेल का अंडर 45 i5 में 3510। सो गैस, वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए एंड कमेंट करिए। सो ये है डेल का 3510। इंटेल इनसाइड प्रोसेसर है, यानी कि इसमें आपको इंटेल का कोर i5 प्रोसेसर मिलता है। साथ ही इसमें आपका 8 GB रैम दिया गया है और 512 GB का SSD मिलता है NVMe का। यहाँ पे मॉडल है कोर i5 11th जनरेशन है, 8 GB रैम, 512 GB SSD, 15.6 विंडोज़ 11 के साथ है। इंटेल इनसाइड का प्रोसेसर इसमें आपको मिलता है, 4 कोर वाला प्रोसेसर इसमें दिया गया है। एंड मंथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की अगर मैं बात करूं तो फरवरी 2022 का इसका आपका मंथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, यहाँ पे सॉरी मार्च 2022 का इसका मंथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है। और अगर प्राइस की मैं बात करूं तो अप्रॉक्स इसका 59 का जो है डब्बे पे MRP है। बट मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि आप इसे कितना में परचेज कर सकते हैं और ये आपके लिए कैसा रहेगा। सो यहाँ पे डब्बे के अंदर आपका मिल जाता है, यहाँ पे आपको मैन्युफैक्चरिंग वगैरह साथ ही मॉडल मिल जाता है एंड और बाकी अदर कोई इसमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है। सो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं एंड अनबॉक्स करके देख लेते हैं कि डब्बे के अंदर आपको क्या क्या मिल जाता है। सो डब्बे के अंदर यहाँ पे आपको एक चार्जर एडेप्टर मिल जाता है, साथ ही यहाँ पे एक आपको डेल का ओरिजिनल पावर केबल दिया गया है। अगर चार्जर एडेप्टर की बात करें तो इसमें आपको 65 वॉट का चार्जर एडेप्टर मिलता है, यहाँ पे फास्ट चार्जिंग मिल जाता है जो कि स्मॉल पिन के साथ आता है। और अगर मैं इसके बैटरी बैकअप की बात करूँ तो अप्रॉक्स 4 आवर का बैटरी बैकअप इसमें आपको मिलता है। साथ ही अगर चार्जिंग टाइम की बात करें तो 1 घंटे 20 मिनट से 30 मिनट लगता है फुल चार्ज हो जाने में। यहाँ पे आपको मिल जाता है यूज़र मैनुअल जिसमें आपको डेल बोस्ट्रो 15 3510 लिखा हुआ मिल जाता है। साथ ही यहाँ पे आपको एक एंटीवायरस मिल जाता है, ये अप्रॉक्स 15 मंथ का होता है। ऐसे इसमें कहीं कुछ मेंशन है नहीं, बट ये आपका 15 मंथ का जो है रहता है मैकैफे का। यहाँ पे आपको इसमें की दे दिया गया है। सो एंटीवायरस के लिए यहाँ पे आपको मिल जाता है एक यूज़र सेटअप मैनुअल, साथ ही एक मैकैफे का एंटीवायरस एंड एडेप्टर। सो लैपटॉप के पैकेजिंग की बात करें तो कुछ एयर पैकेजिंग बॉक्स में भी मिलता है, कुछ इस टाइप से इसका पैकेजिंग दिया गया है। सो डब्बे के कुछ यही सारे चीज़ डब्बे के अंदर आपको मिलता है, एक लैपटॉप, एक चार्जर एडेप्टर एंड साथ में कुछ सेटअप मैनुअल। सो चलिए सबको हटाते हैं एंड फाइनली लैपटॉप देख लेते हैं। सो यहाँ पे आपका लैपटॉप आ चुका है, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा मिलता है, नॉन स्केच वर्क दिया गया है यानी कि मैट फिनिशिंग इसमें मिलता है। कलर की बात करें तो ग्रे कलर इसमें आपको मिलता है, फुल्ली ब्लैक नहीं है, थोड़ा सा ग्रे कलर है, मैट फिनिशिंग है, डेल का लोगो मिल जाता है फ्रंट पे, साथ ही फाइबर बॉडी इसमें आपको मिलता है। बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा है, मच बेटर इसमें आपको बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलता है। साथ ही यहाँ से आप ओवरऑल इसका लुक देख सकते हैं, लैपटॉप का कुछ इस टाइप से लुक देखने को मिलता है। इंस्पिरॉन का और बोस्टो में ज़्यादा कोई लुक का डिफरेंस नहीं मिलता है। कोर i5 11th जनरेशन प्रोसेसर मिलता है, बेस बॉडी में भी आपको फाइबर ही मिलता है, साथ ही वो आपका स्क्रेच प्रूफ मिल जाता है। यहाँ पे आपका डुअल गेस्चर टच पैड दिया गया है, बेस आपको इसमें कीबोर्ड की अगर मैं बात करूँ तो वाटर रेजिस्टेंट कीबोर्ड मिलता है विथ मेमोरी की के साथ इसमें आपको मिल जाता है। साथ ही यहाँ पे बैकलाइट का फीचर्स मिल जाता है इसमें आपको एंड यहाँ पे आपका जो है फिंगरप्रिंट भी मिल जाता है। मेमोरी की दिया गया है, वाटर रेजिस्टेंट कीबोर्ड चॉकलेट मिलता है, यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट मिलता है, साथ ही बैकलाइट मिलता है, व्हाइट कलर का इसमें आपको बैकलाइट दिया गया है, नैरो बेजल डिस्प्ले इसमें मिलता है, बहुत कम बेजल्स आपको देखने को मिल जाता है, करीब 87% बॉडी टू स्किन रेशियो इसमें आपको मिल जाता है, यानी कि आपको फुल्ली 87% डिस्प्ले इसमें आपको मिलता है। साथ ही यहाँ पे आपको 720 का HD कैमरा मिलता है विथ डुअल माइक के साथ। डिस्प्ले की बात करें तो फुल HD रेजोल्यूशन है, साथ में एंटी ग्लेयर मिल जाता है, एंटी ग्लेयर दिया गया है, डिस्प्ले फुल HD इसमें आपको रेजोल्यूशन मिलता है, IPS नहीं मिलता है, नॉर्मल LCD पैनल इसमें आपको मिलता है, बेस बॉडी भी फाइबर मिलता है, साथ ही आपका मैट फिनिशिंग के साथ मिलता है, स्क्रैच वगैरह आपको बहुत कम देखने को इसमें मिलता है। सो चलिए इसका पोर्ट्स देख लेते हैं, इसमें कौन कौन सा पोर्ट्स आपको यूज़ किया गया है। सो यहाँ पे सबसे पहले तो आपका चार्जिंग पोर्ट्स मिलता है, बगल में HDMI, साथ में 2 USB पोर्ट्स इसमें आपको मिलता है। यहाँ पे 2 पोर्ट्स दिया गया है जिसमें एक 3.0 और एक 2.0 पोर्ट्स भी इसमें मिल जाता है। लुक कुछ वही है, इंस्पिरॉन सीरीज वाला लुक है, बट इसमें फीचर्स जो है इंस्पिरॉन से ज़्यादा बढ़िया आपको मिल जाता है, साथ ही आपका प्राइस भी उससे कम यहाँ पे आपको लगता है। यहाँ पे आपको कार्ड रिटर्न मिलता है, साथ में एक मिनी लाइन केबल मिलता है, एक USB 2.0 मिलता है और यहाँ पे आपको ऑडियो माइक और
का चेक मिल जाता है। पीछे साइड से कुछ राउंडिंग वाला लुक है जो कि अभी डेल का सारे लैपटॉप में कुछ इस टाइप से ही डिज़ाइन आपको मिलता है, बट इसमें आपका मैट फिनिशिंग है, इससे आपका थोड़ा सा लैपटॉप प्रोटेक्टिव रहेगा, स्क्रैच वगैरह बहुत कम देखने को मिलता है। साथ ही ये बोस्टो सीरीज़ का है, यानी कि एक कॉमर्शियल सीरीज़ का लैपटॉप है जो कि परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे देता है। साथ ही यहाँ पर आपको डुअल स्टूडियो साउंड मिल जाता है, यहाँ पर आपको दो स्पीकर दिए गए हैं, पीछे में फुली फैन सिस्टम है, यहाँ पर आपका रबर ग्रिपिंग के लिए 4 रबर ग्रिपर दिया गया है जिससे आपका लैपटॉप का बहुत अच्छा ग्रिपिंग मिल जाता है। मैट फिनिशिंग एंड फाइबर बॉडी बैक साइड में आपको मिलता है। सो वेट की अगर मैं बात करूं तो 1.6 केजी का इसमें आपको वेट मिल जाता है, 1 साल का वारंटी मिलता है कंपनी की तरफ से आपको, थोड़े से लाइट वेटेड है एंड स्लिमनेस जो है बहुत ही स्लिम लैपटॉप इसका आपका इस सेगमेंट में मिल जाता है। सो प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो अप्रॉक्स इसका जो मार्केट प्राइस है वो आपका करीब 54 इसका मार्केट प्राइस है, यानी कि 54 में एक बेहतरीन लैपटॉप आप परचेज कर सकते हैं जिसमें आपका फीचर्स में सारे चीज़ मिल जाते हैं, सारे फीचर्स मिल जाते हैं। 512 GB SSD है, SSD आप अपग्रेड कर सकते हैं 1000 GB तक। रैम इसमें 8 GB मिलता है और 16 GB तक रैम आप अपग्रेड कर सकते हैं। 1 साल वारंटी मिल जाता है, साथ ही इसमें आपका आयरिस एक्सी का ग्राफिक्स मिल जाता है जो कि MX330M का कंपेयर में मिल जाता है, यानी कि 2 GB का ऑनबोर्ड ग्राफिक्स मिल जाता है आयरिस एक्सी का। विंडोज 11 मिल जाता है, 8 GB रैम मिल जाता है 3200 MHz का, साथ ही इसमें आपका 4 कोर का प्रोसेसर मिल जाता है इंटेल का Core i5। बैकलाइट है, फिंगरप्रिंट है, 1 साल का वारंटी मिलता है। प्राइस जो मैंने आपको बताया है अप्रॉक्स 55 में इसे आप परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह अवेलेबल है, जहां से आप चाहें वहां से आप परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको MS ऑफिस नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको अलग से MS ऑफिस जो है डलवाना होगा। आप अलग से MS ऑफिस आपको इजी मिल जाएगा मार्केट में, आप उसे डलवा के यूज कर सकते हैं। सो गाइस अगर आपका बजट 55 है तो आप इसे परचेज कर सकते हैं, ये आपके लिए बढ़िया डील रहेगा और बढ़िया परफॉर्मेंस भी मिल जाता है। इसमें 2 वेरियंट मिलता है, एक 1 TB प्लस 256 GB के साथ और एक जो है आपका 512 GB SSD के साथ ही है। सो गाइस वीडियो का अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अगर आपको कुछ चीज़ और जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करिए, मैं वहाँ पे आपका रिप्लाई करूँगा एंड बताऊँगा। सो ये था डेल का 3510 Core i5 11th generation में। सो थैंक यू सो मच गाइस, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।